अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद अली जिना है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल करंट अफेयर्स, उनके बारे में। तो ये हमारे पास लिस्ट है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, आईजी पुलिस, पीएसएल 2019, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, हेड ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, प्रोविंशियल एंड नेशनल असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स, ओपोजिशन लीडर्स एंड रिसेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास ये लिस्ट ऑफ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी लिस्ट हम आपके सामने बयान करेंगे। तो जो सिंध हैं, सिंध के जो चीफ मिनिस्टर अभी जो करंट हैं वो हैं मुराद अली शाह। उसके बाद सेकंड नंबर पे बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जाम कमाल खान। उसके बाद केपी के महमूद खान, केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं महमूद खान। उसके बाद नंबर चार पर पंजाब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं सरदार उस्मान बुज़दार। और उसके बाद हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, ये हैं हाफिज़ुर्रहमान। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट ऑफ गवर्नर्स। तो जो पहली लिस्ट थी वो हमने बयान किया आपको कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं चार सूबों के, और अब हम आपके सामने बयान करेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नर्स। तो जो सिंध के गवर्नर हैं उनका नाम है इमरान इस्माइल। और उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान के जो हैं उनका नाम है अमानुल्लाह यासीन जई। उसके बाद हमारे पास हैं केपीके के शाह फरमान। और नंबर चार पे हैं पंजाब, तो चौधरी सरवर खान हैं पंजाब के। उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान, तो राजा जलाल मकबून ये गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हैं। तो उसके बाद हम आपको मज़ीद जो हमारे पास करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट जो है उसके जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एम अली शेख। और नंबर दो पे है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं जस्टिस जमाल मंदखोइल। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के हैं जस्टिस वकार सेठ। और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट जस्टिस वज़ीर शकील अहमद। उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपेलेट कोर्ट जस्टिस अरशद शाह। उसके बाद हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस एम नूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला। और उसके बाद हमारे पास हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम खान। और उसके बाद है हमारे पास AJK हाई कोर्ट जस्टिस तबस्सम अफ्ताब अलवी। तो लास्ट में है हमारे पास नंबर 10 पे AJK सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इब्राहिम ज़िया। तो उसके बाद हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल्स स्टैनफॉर्ड IG। तो जितने भी IGs हैं इस्लामाबाद के हैं, पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के, KPK के हैं, तो उनकी हम लिस्ट आपके सामने अब बयान करेंगे। तो सबसे पहले जो है IG रेलवेज़ वो है वाजिद ज़िया। और उसके बाद हमारे पास IG इस्लामाबाद का जो नेम है वो है जुल्फ़कार खां। और IG गिलगित बल्तिस्तान के हैं सनाउल्ला बासी। IG KPK के हैं सलाहुद्दीन खान। IG पंजाब हैं कैप्टन आरिफ नवाज़।
और आईजी सिंध हैं डॉक्टर कलीम इमाम। आईजी मोटरवे हैं एडी ख्वाजा और आईजी बलूचिस्तान हैं मोहसिन हसन भट्ट। और उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रिक्स है जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन मेंबर कंट्रीज इज़ इक्वल टू MBBS इज़ स्पेन। तो यहाँ पे ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसकी, लेकिन ये थोड़ा सा डीप लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम अभी जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे प्रोविंशियल स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। तो सबसे पहले पंजाब के हैं परवेज़ इलाही, और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हैं दोस्त मोहम्मद। केपीके के हैं मुश्ताक गनी स्पीकर हैं, और महमूद जान हैं डिप्टी स्पीकर। बलूचिस्तान के स्पीकर हैं कुद्दूस बजंजू, और डिप्टी स्पीकर हैं बाबर मशकायल। और सिंध के हैं सिराज दुरानी, और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हैं रेहाना लगराई। उसके बाद है ओपोजिशन लीडर्स। तो नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ हैं, पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज हैं, और केपी के असम्बली में अकरम दुरानी, बलूचिस्तान असम्बली में मलिक सिकंदर खान, सिंध असम्बली में फिरदौस शमीम नकवी। उसके बाद है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो चीफ इलेक्शन सरदार मोहम्मद रजा खान, और पंजाब मेंबर जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम, केपीके मेंबर जस्टिस MS इरशाद कैसर, बलूचिस्तान के हैं मेंबर जस्टिस शकील ब्रोच रिटायर, सिंध मेंबर अब्दुल गफ्फार समरू। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोविंशियल असेंबली सीट्स। तो जो सिंध हैं उनकी 130 सीट्स हैं, जिनमें से 29 वुमेन सीट्स, मिनोरिटीज़ की 9 हैं, और ये टोटल हैं 168। उसके बाद हमारे पास हैं केपीके की जनरल सीट्स हैं 115, वुमेन सीट्स हैं 26, मिनोरिटीज़ 4, और ये 145। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की जो जनरल सीट्स हैं वो 51 हैं, 51 हैं, और वुमेन 11, मिनोरिटीज़ 3, या टोटल 65। तो पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, तो इसकी जो सीटें सबसे ज़्यादा हैं 297, और जो वुमेन सीट हैं वो 66 हैं, मिनोरिटीज़ 8, तो ये 371 टोटल बनती हैं। तो जो सेनेट है अपर हाउस, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिंध 14, और उसके बाद जो टोटल हैं वो 23। केपीके 14, बलूचिस्तान 14, और पंजाब की भी 14 है। उसके बाद फेडरल कैपिटल 2, फाटा 8, और ये टोटल हैं ऐसे करके 60, और बाकी जो मिनोरिटीज़ और ये दूसरी डाल के 104 बनती हैं। उसके बाद हमारे पास नेशनल असेंबली सीट। तो जो जनरल हैं वो सिंध की हैं 61, और पंजाब की 148, केपीके 35, और बलूचिस्तान 14, फाटा 12, फेडरल 2, टोटल ये 272। और यहाँ पे ये उसके बाद वुमेन की डिटेल दी हुई है, और फिर नॉन मुस्लिम्स की, और सबसे लास्ट में हमारे पास फिगर आ रहा है 342 टोटल। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे चेयरमैन हेड्स चीफ ऑफ डिपार्टमेंट्स, जितने भी पाकिस्तान के डिपार्ट्स हैं, बड़े डिपार्ट्स हैं, वाबडा हो गया, नादरा, पैमरा, PCBPIA और PTV, FBR, SEC, PHGC, स्पार्को, जितनी भी हैं ये, तो हम आपको इनके बारे में अभी बताते हैं। तो जो वाबडा के हैं हेड
हैं जो वापडा के, वो हैं लेफ्टिनेंट मुजम्मिल हुसैन, और उसके बाद हमारे पास हैं नादरा के यूसुफ मुबीन, और बैमरा के हैं सलीम बेग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं एहसान मानी, और पीआईए के हैं अरशद मलक, और एनडीएमए लेफ्टिनेंट मोहम्मद अफजल, और सीसीआई ये हैं पीएम, और उसके बाद है हमारे पास सी आई आई किबला अयाज, एफबीआर के हैं शब्बर जैदी, और पाकिस्तान टेलीविज़न के हैं मिर्ज़ा यूसुफ, और नेपरा के हैं तौसीफ फारूकी, एचईसी के हैं तारिक बनोरी, और स्पार्को के हैं आमर नदीम, और जो हमारे पास लास्ट में डिपार्ट है एसईसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं वो हैं आमिर खान। उसके बाद हम आपको बताएंगे चेयरमैन हेड्स चीफ ऑफ डिपार्टमेंट्स, और ये भी वही चीज़ है लेकिन इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो जो पहले हमने आपको बताए डिस्कस किए हैं वो प्राइवेट्स और सिंपल्स हैं, ये हमारे जो डिफेंस लेवल के अपर लेवल के हैं उनकी बात हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी आमिर अजीम, और पैक के हैं एम नईम, और उसके बाद हमारे पास है एफ पी एस सी हसीब अख्तर, और उसके बाद है हमारे पास ए जी जावेद जहांगीर, और उसके बाद है नैब नैब के जो हेड हैं वो हैं जस्टिस जावेद इकबाल, और जो सेनेट हैं सेनेट के हैं सादक सिंजरानी। उसके बाद हमारे पास हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सरदार रज़ा खान। उसके बाद जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं पाकिस्तान के जो डिफेंस जो इदारा है उसके जो डायरेक्टर हैं आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो हैं जनाब सलमान खान। उसके बाद आईएसआई के हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस फैज़ हमीद, उसके बाद पीएचएफ सज्जाद खोकर, एफआईए बशीर मेमन, और उसके बाद कैप्ट डब्ल्यूसीटी बिस्मा मारूफ। तो ये है आज के करंट अफेयर्स जो 2020 के हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी, और नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे फेडरल कैबिनेट। तो गुलाम सरवर खान हैं वो हैं एविएशन डिवीजन के, और मुराद सईद हैं कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विस, परवेज़ खट्टर हैं जो डिफेंस के हैं, और जो ज़ुबैदा जलाल हैं डिफेंस प्रोडक्शन, मोहम्मद हमाद अज़र इकनॉमिक्स अफेयर्स, शफकत महमूद फेडरल एजुकेशन एंड नेशनल हेरिटेज, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स, चौधरी तारिक चीमा हाउसिंग एंड वर्क्स, डॉक्टर शमी शरीन मिजारी ह्यूमन राइट्स। तो उसके बाद हमारे पास हैं फेडरल कैबिनेट, तो एजाज अहमद शाह ये हमारे वजीर दाखला हैं इंटीरियर, और फहमीदा मिर्ज़ा इंटीरियर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, अली अमीन गंडापुर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगत बल्तिस्तान, फरोग नसीम हमारे लॉ एंड जस्टिस के वजीर हैं, और उसके बाद एम अजीम स्वाति पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मखदूम खुसरो बख्तियार प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। उसके बाद है हमारे पास फैसल वाडा, ये हैं वाटर रिसोर्सेज के वजीर, और नूरुल हक कादरी हैं रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद है हमारे पास उमर अयूब
पावर डिवीजन। उसके बाद है हमारे पास प्रोविंशियल कैबिनेट। तो जो मुराद अली शाह हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर अजरा फजल पिछो ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्ट के हैं, सरदार शाह कल्चर एंड टूरिज्म तो ये हैं सिंध के, आप इनको पढ़ लें। तो उसके बाद हम आपको बताएं प्रोविंशियल कैबिनेट, तो ये इम्तियाज़ शेख एनर्जी डिपार्ट, और मज़ीद आप इनको रीड कर लें जो बाकी रह गए हैं। उसके बाद ये PSL के कुछ MCQs हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी लास्ट में इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की, इंफॉर्मेशन PM हेड ऑफ गवर्नमेंट इमरान खान, और प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, और पॉपुलेशन 207 मिलियन, और पॉपुलेशन रैंक इन वर्ल्ड 5th, एरिया वाइज रैंक इन वर्ल्ड 33, एंड सेनेट चेयरमैन सादिक सिंजरानी, इकोनॉमिक्स रैंकिंग 23, ग्रोथ रेट 2.8%, मैप डिज़ाइन बाय मियां मोहम्मद आलम। और ये हमारे पास आज के करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2020 के हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास यहाँ पे नाम है ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो जैसा कि राजा शाही इस्लामाबाद को कहते थे, और कराची को कहते हैं, और सवालम कोट है सियालकोट को, नारायण कोट कहते हैं हैदराबाद को, खानगढ़ कहते हैं जैकबाबाद को, तो ये इसके ओल्ड और न्यू नेम है। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है राजा शाही, तो राजा शाही एक ओल्ड नाम है इस्लामाबाद का, कराची ओल्ड नेम है कराची का। तो इस तरीके से ये आप सारे जितने भी नेम हैं, महमूदपुर, तो लाहौर का जो पुराना नाम था वो महमूदपुर है, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स दें, और इसको दूसरे लोग जिनको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे अभी इंटरव्यूज़ और लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई महरूम ना रह जाए इन चीज़ों से। तो काइंडली इसको शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो करंट अफेयर्स 2020 के कैसे लगे।